सम्मानीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के एल इन्फो बाई केशलाल सर में हार्दिक स्वागत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है और एक खुशखबरी है। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल दिनांक 23/12/2020 प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश विषय अध्यापक संवर्ग नवीन शैक्षिक संवर्ग को परिवार पेंशन नियम 1972 के दायरे में लाकर लाभ देते हुए एनपीएस के कटौता को जीपीएफ अकाउंट जनरेट कर जमा करने बाबत विषय अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी जिला शाहजहाँपुर शिवपुरी मंदसौर एवं विभिन्न जिला उज्जैन रीवा भोपाल ग्वालियर दतिया मंदसौर नीमच रायसेन के अध्यापकों के द्वारा आवेदन एवं अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन पूर्व शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 11/22/2019 20/4/2020 25/11/2020 पत्र क्रमांक 12/6/37/57/2020 20/1/26/10/2020 12/08/12/76/2020 20/4/23/11/2020 के साथ संलग्न अध्यापकों के आवेदनों के द्वारा अध्यापकों द्वारा परिवार पेंशन नियम 1972 पुरानी पेंशन के दायरे में लाकर लाभ देते हुए एनपीएस नवीन पेंशन के कटौत्रा को जीपीएफ अकाउंट जनरेट कर उसमें जमा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त अध्यापक माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की जिलेवार सूची संलग्न कर प्रेषित है। प्रकरण सी अम्मानिट सी से संबंधित है। उपरोक्त अध्यापकों के द्वारा परिवार पेंशन नियम 1972 पुरानी पेंशन के दायरे में लाकर लाभ देते हुए एनपीएस नवीन पेंशन के कटौत्रा को जीपीएफ अकाउंट जनरेट कर उसमें जमा करने की मांग के संबंध में संयुक्त संचालक वित्त के अहमत अनुसार मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक या 16/9/2021 25/5/2011 में दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पेंशन नियम 1972 लागू नहीं है। अध्यापकों के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दस्तावान किया जाता है। संलग्न सूची अनुसार आपके जिले से संबंधित शिक्षकों को उपरोक्त अनुसार सूचित करें। आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित तो यह सभी अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण आदेश है और इसे सभी शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें। धन्यवाद।